हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है, अ कार्ड इज ड्रोन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला गया, प्रोबेबिलिटी बताओ निकाले गए कार्ड की। देखो, प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले ताश के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, जो भी कार्ड का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, वो सारा इसमें से बाहर नहीं होता, सब इसमें से निकल के आएंगे। पहली बात ये कि टोटल कार्ड होते हैं 52, जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं। फिर इसको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है, यानी क्लब एंड स्पीड। क्लब के 13 कार्ड एंड स्पीड के 13 कार्ड। क्लब का साइन ये होता है एंड स्पीड का साइन ये होता है, जिसमें से हर एक टाइप का एक पत्ता होता है। यानी कि क्लब का एक किंग, एक क्वीन, जैक, एस, फिर 2, 3, 4, 5, 10 तक गिनती चलती है। इसी तरह स्पीड का भी एक किंग होता है, क्वीन होती है, जैक होता है, फिर एक एस, फिर 2, 3, 4, 5 चलते हैं। इसी तरीके से रेड कलर का डायमंड होता है, इसका भी किंग, क्वीन, जैक इस तरह से चलती है। हार्ट भी जब किंग, क्वीन, जैक होती है, जिसको मैंने बॉक्स में डाल रखा है। बॉक्स में इसलिए डाला है क्योंकि इन पर तस्वीर बनी होती है, इसलिए इनको तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं, यानी कि फेस कार्ड। मैं बोलूँ ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने होंगे, 3 ये रहे 3 ये रहे 6। रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे, 3 ये रहे 3 ये रहे, यानी कि टोटल 6। टोटल 6 प्लस 6 12, फेस कार्ड कितने होंगे 12, जिसमें 4 किंग 4 क्वीन 4 ही जैक होंगे मेरे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया, किसका पूछा गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा टोटल कार्ड कितने, मुझे टोटल कार्ड वो लिखेंगे 52। फर्स्ट पार्ट यानी इवेंट 1 बोला गया है, अ कार्ड ऑफ स्पेड होना चाहिए और एन एस, यह क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। अब देखो जरा, स्पेड की लाइन कौन सी है, ये वाली। स्पेड में टोटल कितने पत्ते हैं, 13। ये लो जी 13 पत्ते तो ये आ गए, प्लस और लगा के दे दिया एस। देखो स्पेड के तो सारे पत्ते आ चुके हैं, यानी इसको जाओ भूल, 13। अब बाकी जो एस बचते हैं, एस को गिनना, यानी जिस पे ए बना हो, 1, 2, 3, कितने एस हैं, 3 एस हैं, प्लस में 3, टोटल कितना हुआ 16। तो यानी मेरा फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 16। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल, दोनों में डिवाइड जा रहा है मेरा 4 का, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, यानी 4 बाय 13। सेकेंड केस, इवेंट 2, आ ब्लैक किंग यानी काले रंग का राजा। देखो ये रहे, एक ये रहा ब्लैक किंग, एक ये रहा, टोटल किंग कितने हुए 2, कितने हुए 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ब्लैक किंग यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल 52, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है। ठीक है, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी प्रोबेबिलिटी जो कि हमारे अपॉन में 26। ठीक है, थर्ड केस, इवेंट 3, नीदर जैक नॉर किंग, नीदर जैक नॉर किंग यानी ना तो राजा होना चाहिए, ना राजा ना जैक होना चाहिए। तो अगर जिन पत्तों को मुझे नहीं चाहिए, जिन पत्तों को मुझे नहीं चाहिए, उन पत्तों को टोटल में से हटा दो। इन्होंने बोला जैक के लिए और किंग के लिए, कलर मेंशन नहीं किया गया है, कलर मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ बोला सारे जैक सारे किंग। तो सारे जैक कितने हैं, 1 2 3 4 4 बनते हैं जैक, 1 2 3 4 4 बनते किंग, यानी टोटल 8। 4 ही जैक और 4 ही वो है, माइनस करेंगे 4 48, यानी 44। अगर मैं बोलूँ ना जैक हो ना किंग हो, ऐसे 44 पत्ते होंगे, इनके अंदर ना एक भी जैक है और ना ही इसमें कोई किंग है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, फेवरेबल 44, टोटल 52, 4 का डिवाइड जा रहा है, कितना 11 बाय 13 हुआ। फोर्थ केस, इवेंट 4, ईदर मतलब या तो ये, ईदर अ किंग और क्वीन, या तो रानी होनी चाहिए या राजा होने चाहिए। तो देखो राजा कितने होते हैं, काउंट करते हैं,
एक दो तीन चार, चार ही राजा हैं, क्वीन कितनी है, एक दो तीन चार, चार ही क्वीन है, तो टोटल कितने हुए आठ, चार प्लस चार। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फोर फेवरेबल आउटकम टोटल कितना है 52, फोर का डिवाइड जा फोर टू जा एट, फोर वन जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, यानी टू बाय 13। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, तो पहले मैं उसे नोट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, बोला गया है अ बॉक्स कंटेन कार्ड बियरिंग नंबर फ्रॉम 6 to 17। एक बॉक्स है जिसमें 6 से लेकर 70 तक कार्ड रखे गए हैं। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज बियर, यानी उसमें से कार्ड निकालेगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी बताने से पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि टोटल कार्ड कितने हुए, टोटल कार्ड। देखो कार्ड की जो शुरुआत हो रही है क्वेश्चन में खुद मेंशन किया गया 6 से हो रही है, 6, 7, 8 करते करते वो गए हैं 70 तक, तो यानी इसमें 1 से लेकर 5 तक कार्ड इसमें अवेलेबल है ही नहीं। तो टोटल 70 तक काउंटिंग में से शुरुआत के 5 कार्ड हटा दो, कितना बचा 65, यानी टोटल कार्ड मेरे कितने हैं 65 है। अब चलते हैं जिस जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको चलते हैं। बोला वन डिजिट नंबर, वो नंबर जो वन डिजिट के हैं इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसे इवेंट वन माना मैंने, आ वन डिजिट नंबर, वो नंबर जो वन डिजिट के आते हैं यानी कि जिसमें सिंगल एक नंबर होगा, या जैसे 6, 7, 8, 9, 10 लिखूंगा तो उसमें दो डिजिट हो जाएंगे, तो कुल मिला कितने नंबर हुए 1, 2, 3, 4, कितने नंबर हुए 4। फेवरेबल आउटकम मेरा कितना हुआ 4, जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब फेवरेबल आउटकम आया था ऊपर और टोटल आया था नीचे, यानी 4/65 ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इवेंट टू, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, वो नंबर जो 5 के टेबल में 5 से डिवाइड हो जाए। देखो जो नंबर 5 से डिवाइड होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि 5 की टेबल में भी आएंगे, तो चाहे डिविजिबल बोल दे या मल्टीपल बोल दे कन्फ्यूज नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। 5 तो आ नहीं सकता क्योंकि 6 से पीछे का नंबर तो है नहीं, शुरुआत होगी 10 से, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70, ये सारे नंबर 5 के टेबल में आते हैं। देखो सबके पीछे 05 05 05 आ रहे हैं, यानी 5 से डिवाइड हो जाएंगे, कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल नंबर कितने हुए 13। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 13, टोटल कार्ड कितने हैं 65, यानी फेवरेबल अपॉन में टोटल, दोनों में 13 का डिवाइड जाए 13 एकम 13 13 5 65, ये हो गया। इवेंट 3, एन ऑड नंबर लेस देन 30, एन ऑड नंबर लेस देन 30, वो ऑड नंबर जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, वो सारे ऑड नंबर होते हैं, मेन होते हैं 1 3 5 7 9, जिनके पीछे ये नंबर आ जाए वो ऑड है, लेकिन 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग तो इसमें है नहीं, तो शुरुआत होगी 6 से। हमें 30 से कम कम लेने हैं, हमें सिर्फ वो नंबर लेने हैं जो 30 से कम होंगे, ठीक है, और ऑड नंबर होंगे, जैसे 6 तो होगा नहीं, 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, 30 से कम बोले थे, सबके पीछे दो क्या रहा 1 3 5 7 9, ये मेन ऑड होते हैं जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर कितने काउंट हुए 12, फेवरेबल आउटकम हुआ 12। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, फेवरेबल ऊपर टोटल नीचे, 12/65 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फोर्थ पार्ट यानी इवेंट 4, कंपोजिट नंबर जो 50 और 70 के बीच में हो, जिसे को प्राइम नंबर भी कहते हैं, कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70, यानी वो नंबर जो प्राइम को छोड़ दिया जाए, जो प्राइम को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने बचते हैं वो सारे कंपोजिट होते हैं। दूसरे डेफिनेशन,
जिसमें अपने अलावा किसी और नंबर का भी डिवाइड चला जाए वो सारे किस में आते हैं, कंपोजिट में आते हैं। ठीक है, अब 50 और 70 के बीच में लेना है, इनके बीच में लेना, ध्यान रखना, ना 50 को काउंट कर सकते हैं ना 70 को काउंट कर सकते हैं, इन दोनों को छोड़कर इनके बीच के जो नंबर आते हैं सारे वो लेने हैं। 51 इसमें 3 का डिवाइड चला जाता है, 51 खुद का भी चला जाता है, यानी वो नंबर लेने जिसमें खुद का भी डिवाइड चला जाए किसी और नंबर का भी डिवाइड चला जाए। 52 2 का चला जाता है, 4 का भी चला जाता है, 52 का भी चला जाता है। 54 55 56 57 अब 57 में किसका जाता है पता कैसे लगेगा, 57 में 57 का तो जाएगा, 3 का भी जाएगा, कैसे पता लगा, दोनों को जोड़ा, 7 5 12 12 3 की टेबल में आता है, मतलब 3 का भी जाएगा इसमें, 57 हो गया। 58 ये तो इवन नंबर है, 2 का तो जाया जाएगा डेफिनेटली। 60 62 63 64 65 3 का भी जाएगा उसमें, 13 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा और 65 का भी जाएगा। 66 68 69 ठीक है, ये नंबर हुए इनमें जो कि इसके बीच के नंबर हैं। आप काउंट करते कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने नंबर काउंट हुए, 15। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इवेंट तो इवेंट 4 फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 15, टोटल कितना है 65, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 3 15 5 1 5 5 3 15 एंड 3 upon 13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।